डिहाइड्रेशन अक्सर गर्मियों के दिनों में बहुत से लोगों में, या फिर वो बड़े हों या फिर छोटे हों, सब में देखने को मिलता है। लेकिन खासकर में अगर बात बच्चों की करें तो बच्चों में भी अब डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने लगता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि बच्चे अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते, पानी पीने पर ध्यान नहीं देते, तो उन्हें डिहाइड्रेशन हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमें भी समझ में नहीं आता है कि उन्हें सच में डिहाइड्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ आशुकेश तिवारी और चलिए बात करते हैं डिहाइड्रेशन में। और हमारा जोर रहेगा बच्चों के डिहाइड्रेशन के ऊपर, और बच्चों में कैसे डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है तो उसे मिटाएं, और कौन कौन से लक्षण होते हैं डिहाइड्रेशन के, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि बच्चों में जब डिहाइड्रेशन होता है तो उनके जो होंठ होते हैं वो सूखने लगते हैं और कई घंटों तक उन्हें पेशाब नहीं आता। वहीं उल्टी या अधिक दस्त होने के कारण शरीर में पोटेशियम, सोडियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में अगर उनकी भरपाई ना की जाए तो शरीर में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ महसूस होंगी और कमज़ोरी भी महसूस होने लगेगी। अगर एक तरीके से देखें तो डिहाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। आइए आपको बताते हैं हाइड्रेशन से निपटने के कुछ उपाय। जो सबसे पहला उपाय है वो ये है कि अधिक से अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें। बच्चों को बोले ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, इसके साथ साथ 8 से 10 ग्लास पानी तो उन्हें रोज़ पीना ही चाहिए। वहीं अगर बात दूसरे उपाय की करें तो आपको नींबू पानी, नारियल पानी, सिकंजी या फिर अन्य पौष्टिक पेय पदार्थ का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि ऐसे फलों का सेवन करें जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो। इसके लिए रोज़ाना केला, तरबूज, खरबूज, खीरा, पपीता, संतरे जैसे फलों का सेवन ज़रूर करें। याद रखें, फलों का जब भी सेवन करें उन्हें काट के खाएं और धोना उन्हें बिल्कुल भी ना भूलें। अगला जो तरीका है वो है कि गर्मियों में रोज़ाना कम से कम एक कटोरी दही या छाछ का सेवन ज़रूर करना चाहिए। दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ दही के सेवन से शरीर में पानी की कमी भी दूर हो जाती है। वहीं अगला उपाय ये है कि जब आप एक्सरसाइज या फिर बच्चे खेलते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि शरीर से अधिक मात्रा में पसीना निकलता है, जिससे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। इसकी भरपाई करने के लिए आपको पानी पीना चाहिए, ताज़े फलों का सेवन ज़रूर करना चाहिए और जूस तो पीना ही पीना चाहिए। नहीं, अगर बच्चे खेल के आते हैं तो उन्हें पानी दें, फल दें खाने के लिए, और फल नहीं है तो जूस ज़रूर दें उन्हें पीने के लिए। घर पर ही ORS घोल बनाकर भी बच्चों को 3 से 4 बार दे सकते हैं पीने के लिए, अगर उन्हें डिहाइड्रेशन होता है। ये डिहाइड्रेशन में आराम दिलाता है और बॉडी को भी तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे थे, घरेलू उपाय थे डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। अगर आपके बच्चे को भी डिहाइड्रेशन होता है या फिर अगर आपको भी डिहाइड्रेशन होता है तो इन उपायों का पालन ज़रूर करें, और अगर इन उपायों का पालन करते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन से कहीं कहीं मदद मिलेगी। ये एक छोटी सी वीडियो थी डिहाइड्रेशन के ऊपर। आपको कैसे लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, हेल्थ रिलेटेड देखना चाहते हैं वीडियोस, फिट रहना चाहते हैं, तो हमारा चैनल इंडिया न्यूज हेल्थ जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फिटनेस एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हेल्थ।